भिवानी के लाडले अमूल्य आनंद ने आगरा में हुई 9वीं फील्ड तीर अंदाजी नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल व व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 कांस्य पदक हासिल कर भिवानी का नाम रोशन किया है। वहीं अंडर 17 में शुभम तंवर ने भी गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस मौके मेडल जीतकर भिवानी पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों का यूथ हॉस्टल में महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स अकादमी व अन्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया। आगरा में पिछले दिनों एक इंडोर आर्चरी की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हमारे भिवानी से अमूल्य आनंद ने सीनियर वर्ग में और भाई अमन तंवर शुभम तंवर ने जूनियर वर्ग में भाग लिया था। दोनों का गोल्ड मेडल लाया है और अमूल्य का टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाया है। भिवानी जो कि आपको पता है कि गेम के नाम पहले ही भिवानी जो है गेमों में मिनी कूबा और कई चीज़ों के नाम से जानी जाती है। अब भिवानी जो है हर विधा में हर चीज़ में जो है प्रथम आने लगी है और हमें उम्मीद है भाई शुभम तंवर से और अमूल्य से कि आने वाले समय में सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक्स में और राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ लेवल पे जाके हमारे देश को और ज़्यादा मेडल्स देंगे और अपने भिवानी का हरियाणा प्रदेश का और भारत का नाम रोशन करेंगे। जिस प्रकार इन्होंने मेडल जीता है बाकी खिलाड़ियों के बारे में आप कह गए। बाकी भिवानी में सिर्फ तीरंदाजी नहीं, भिवानी सबको पता है कि बॉक्सिंग में पहलवानी में हम यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है ये यूथ हॉस्टल का है, यहाँ जूडो के खिलाड़ी भी हैं। हर स्पर्धा में जो है भिवानी वाले जो एथलीट हैं सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्डी जो है भिवानी में रहे हैं और इंडिविजुअल का बॉक्सिंग में सबसे पहला गोल्ड मेडल कैप्टन अवा सिंह जी का आया था जिनके हॉल के पास हम यहाँ खड़े हैं। तो भिवानी ने सिर्फ और सिर्फ तीरंदाजी नहीं हरेक विधा में और विभिन्न वर्गों में हरेक चीज़ में मेडल दिलाए हैं और आगे भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करता रहेगा। ये जो नेशनल तीरंदाजी है उसमें मेडल लेके आए हैं तो भिवानी का अच्छा फ्यूचर लग रहा है, वो आगे जाके इंटरनेशनली मेडल निकाले होप, और यही प्रेरणा भी है बाकी बच्चों के लिए कि वो आगे अच्छा खेले आगे बढ़े। और जैसा कि भिवानी में है ही कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों को मौका मिले वो आगे बढ़े, बस यही कामना है कि आगे वो अच्छा करते हैं।